आप तमाम नासरीन का DTV9 में खैर मकदम है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक सुधीर बाबू ने ट्रैफिक के इंतजाम के बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह के औकात में सिकंदराबाद से हैदराबाद तक ट्रैफिक का बहुत ही ज़्यादा फ्लो होता है और इसी तनाजुर में शाम को हैदराबाद से सिकंदराबाद तक बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो होता है, इसीलिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे बिजी औकात में ट्रैफिक की रवानगी को हमवार करने के लिए सड़कों पर कुछ तब्दीलियां की है और तमाम तर ऐसी मसरूफ़ तरीन सड़कों पर बेहतर इंतजाम किए हैं ताकि शहरियों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पेश है DTV9 की एक खसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मजीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सिटी है वो ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इसी के लिए 80 लाख गाड़ियाँ हैदराबाद सिटी में हैं और एवरी डे 200 व्हीकल्स हैदराबाद सिटी में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। सो और दूसरा सिटी से आने वाले लोग 4 से 5 लाख गाड़ियाँ से हैदराबाद सिटी में घूम रहे हैं। सो इतना फोकस्ड एरिया हो गया हैदराबाद, गवर्नमेंट भी इतना एरिया को डेवलप करने के लिए 27 फ्लाईओवर्स ले आया, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है वो IT सेक्टर में। सो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू हैदराबाद। ये समय में ये ट्रैफिक का इश्यूज रह सकते हैं, इसी के लिए हम कैसा अच्छा तरीका से ट्रैफिक फ्लो रहना बोल के इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट इनिशिएटिव है रोड का ऊपर ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग रहते हैं और इंक्रोचमेंट रहते हैं, वो उसके वजह से ट्रैफिक जल्दी मूव होना डिफिकल्ट होते हैं। वो स्मूथ ट्रैफिक होने के लिए हम ये रोप कंडक्ट करके इंक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं और रॉन्गफुल पार्किंग को रिमूव कर रहे हैं और इससे इंडिया में हमारा हैदराबाद सिटी पीक आवर्स में मोस्ट फास्टेस्ट मूविंग ट्रैफिक है हैदराबाद सिटी में। और ये रोप कंडक्ट करने के बाद हम वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फोकस ऑन ज़्यादा इश्यूज़ में कोई लाइफ थ्रेटनिंग क्या है, लाइक सील बेल्ट नहीं रख रहे, सिग्नल जंप कर रहे देन छोटे बच्चे माइनर वो गाड़ी ड्राइव कर रहे नहीं तो राइड कर रहे और ये कार लाइसेंस विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कार ड्राइव कर रहे, ऐसा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग वायोलेशंस भी है, इसी के वास्ते भी उसको ऊपर भी हम फोकस पे कर रहे हैं। ये रोड एंड लाइफ थ्रेटनिंग वायोलेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स काजिंग लॉट ऑफ थ्रेट टू द पीपल लाइव टू द पीपल, सो रोड सेफ्टी रखने के लिए ये हम काम कर रहे हैं। और कुछ जगह है हैदराबाद सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं रह रहा है प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल पुराना पुल में है, 4-5 जगह से वो एक जंक्शन में आ रहे हैं, अभी विजिट करके वो रोप कंडक्ट करके वो इंक्रोचमेंट रिमूव करके और वो हमारा कोई अनेसरी ओल्ड पुराना वाला कुछ स्ट्रक्चर रहते वो निकाल के बेटर ट्रैफिक फ्लो होने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सेम वे हम मासब टैंक में भी एक बहुत ट्रैफिक जाम होने वाला का मौका है उधर बिकॉज रोड का स्ट्रक्चर में। सो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो मिराज केफ से मासब टैंक बस स्टॉप जाने से पहले लेफ्ट से लेके मिराज केफ से अजीज़ अमास से मिराज केफ से गुडुमलकापुर से हम रोड पिलर नंबर 68 में जाके वो अत्तापुर जाने के लिए कर रहे हैं। सो इसे डाइवर्शन प्लान कर रहे हैं और दूसरा है।